को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। और जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि पुनः आज के दिन हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन लगातार प्रार्थना करें, आमेन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 32 अध्याय का पहला पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और लिखा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हमारा अपराध कब कैसे क्षमा होगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उस जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, जब उस जीवित परमेश्वर को हम समय देंगे। अगर हम प्रभु को समय नहीं देंगे, हमारा अपराध कैसे क्षमा होगा, हमारा पाप कैसे क्षमा होगा, हमारा अधर्म कैसे क्षमा होगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज जब हम इस संगति में जुड़े हैं, मैं चाहूँगा मेरे साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वो परमेश्वर हमारे को बहुत ऐत की आशीष देगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। सो आइए इस घड़ी अपने आँखों को बंद करें और आइए इस घड़ी हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति धन्यवाद करे परमेश्वर को, उसके नाम की महिमा करें। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे नाम की, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हर एक व्यक्ति, जितने लोग लाइव जुड़े हैं इस घड़ी, आइए हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोले और धन्यवाद करे परमेश्वर का, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे नाम के, हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम तेरे नाम के हम बढ़ाई करते हैं मेरे खुदा प्रभु। इस घड़ी हम हरेक को तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, मेरे खुदावन पिता, मरे के जीवन को पिता तू शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शबा, रबा शबा, रबा, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी तारीफ हो, तारीफ राजा। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरे नाम की, हम महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी इबादत करते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ प्रभु हम तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा प्रभु। हालेलुया, हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोले धन्यवाद करे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा तारीफ करे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु लव की जय, यीशु लव की जय। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं इस घड़ी और आइए इस घड़ी इस गीत को हम गाएंगे, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर आइए इस गीत को हम गाएं और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया।
छुटकारा हो यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा हो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। हाँ प्रभु, अपने महिमा का बादल से हमारे को घेर ले प्रभु, हमारे के जीवन को पिता तू घेर ले मेरे प्यारे परमेश्वर। अपनी आत्मा का अग्नि को हमारे जीवन में दे प्रभु, अपनी आत्मा का बारिश को हमारे के जीवन में दे मेरे खुदा, ताकि प्रभु हम तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी महिमा से हम भर जाए मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे एक के संग होले प्रभु, हमारे एक ही अगुवाई कर, अपनी उपस्थिति में जीवन को दे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को अलग अलग मसीह ग्रुपों में अलग अलग लोगों को जरूर आप शेयर करें, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। आमेन। सो आइए इस घड़िया में गीत को हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे, रब की होवे शरणा हमेशा, रब की होवे शरणा। आमेन। हमारा आपको अपने जीवित परमेश्वर का सन्ना गाना है, उस परमेश्वर का हो सन्ना गाना, महिमा करना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि सच में वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को गाए और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। रब की होवे शरणा हमेशा, रब की हो
नर्मदा सराई, उसकी नाम किशना, उसकी नाम किशना हमेशा रब की वो वेशना। हालेलुया, रब की वो वेशना हमेशा, रब की वो वेशना। उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की हो वेशना। हालेलुया, रब की हो वेशना हमेशा, रब की हो वेशना। बीने बजा हमेशा, रब की हो वेशना। हालेलुया, रब की हो वेशना हमेशा, रब की हो वेशना। बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की शना, गाओ रब की शना हमेशा, रब की होवे शना। हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की हो शना, रब की हो वेशना हमेशा, रब की हो वेशना। हालेलुया, रब की हो वेशना हमेशा, रब की हो वेशना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं और इस खड़ी उस जीवित परमेश्वर का महिमा करें। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर का महिमा करें, महिमा करें। हालेलुया, आइए हर व्यक्ति इस घड़ी कहें, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर,
अपने वचन का नया रेवलेशन को दे, नया प्रकाशन को दे। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने पापों को पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, क्षमा मांगे परमेश्वर से, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे छू ले प्रभु, मुझे पवित्र कर दे, पवित्रता का मन दे प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन को अच्छी रीति से सुन पाऊँ और उस वचन को मनन करके उस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रही, बा शबा रबा। हालेलुया हालेलुया। हर व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ पिता प्रभु अपने वचन से प्रभु मुझको ब्लेस कर पिता। प्रभु आज जो वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आने पाए, हमारे जीवन में बदलाव को लाने पाए, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करने पाए। रिबा रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु आज का वचन प्रभु मेरे जीवन में उद्धार को लाए मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते रिबा बाबा 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 धन्यवाद राजा। प्रभु आज का वचन प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरी आशीष तेरी महिमा को लाए। खुद आज के वचन के द्वारा बातचीत कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, ताकि पिता हम तेरी महिमा तेरे प्रेम में बढ़ने पाए। खुदावंद आज के वचन के द्वारा बातचीत कर, हमारे को ब्लेस कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान जीवित और सामर्थी पवित्र परमेश्वर है, और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। क्रिसमस का महीना है और ये दिसंबर महीना मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। बहुत सारे प्रिय लोग तैयारी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आना कोई साधारण काम नहीं है, साधारण बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आना मतलब हम और आपके लिए एक उद्धार का कारण बना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम उस जीवित परमेश्वर को पुकार पा रहे हैं, आज हम एक बेहतर जीवन को जी पा रहे हैं, आज हम इस बात को कह पाते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। बाइबल बताती है, हम तो परमेश्वर से दूर चले जाते, लेकिन सबने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह आया ताकि हम उस पाप से आज़ाद होकर एक ऐसा जीवन जिए जो आज हमारे को जीना चाहिए। और आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का हम जन्मदिन तो हम मनाते हैं, हम यीशु मसीह की महिमा तो हम क्रिसमस के समय हम लोग करते हैं, परंतु क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम गीत गाते हैं कि यीशु राजा जन्मा है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम केक काटते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को, जिनके जिनकी हम महिमा कर रहे हैं, जिनके हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर उसको स्मरण करते हुए, क्या आज हम उसको जानते हैं? ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आनंद मना रहे हैं, लेकिन क्यों यीशु मसीह आया? मेरे प्रिय भाई बहन, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल यहां पर कहती है, John 1:10 लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना, बाइबल बताती है। क्या आज हम भी ऐसे हैं कि हम यीशु मसीह को जान रहे हैं कि वो क्या है, लेकिन क्या हम उसको पहचान पाते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या पहचान है? हम किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं? पतरस से जब यीशु मसीह पूछा कि लोग तुम मेरे विषय में क्या कहते हैं,
पत्रस सही पहचान कर पाया और पत्रस बोला कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अन्य चेले कोई एलिया, कोई एलिशा, कोई ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता, ये नबी वो नबी लोग मानते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन अपने जीवित परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान कर पाया और उसने कहा कि हे प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, तू मसीह है, तू उद्धार करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था दूसरा क्रंथ उसका 4 अध्याय उसका 4 पद को, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 Corinthians 4:4, यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन कि क्यों आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब चीज कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं? आज दुनिया क्यों प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रही है? क्योंकि दूसरा क्रंथियों का 4 अध्याय 4 पद में लिखा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस संसार के ईश्वर ने लोगों के आंखों को क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया है। लोग सच्चे परमेश्वर से उसके पास जाने के बजाय लोग इस संसार के ईश्वर की ओर ताक लगा रहे हैं। क्या आज हम इस संसार में अपने ईश्वर को ढूंढते हैं? क्या आज हम इसी संसार के ईश्वरों की उपासना करते हैं? हम और आपको ऐसे परमेश्वर को उपासना करना है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस संसार को भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस संसार का ईश्वर लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है, क्यों? ताकि लोग उस जीवित परमेश्वर की उपासना ना करें। मेरे प्रिय बाइबल लिखा, उसका प्रकाश, तेजोमय प्रकाश उन पर ना चमके। हमारे जीवन में प्रकाश ना आवे, हमारे जीवन में लाइट ना आवे, ज्योति ना आवे, इसीलिए इस संसार के ईश्वर ने लोगों को आंखों को अंधा कर दिया है। इसलिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं। बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रियलिटी में क्यों इस दुनिया के अंदर में आया है। आज सही पहचान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का ईश्वर लोगों की आंखों को अंधा कर रहा है। इस संसार में बहुत सारे अंधविश्वासी, अंधविश्वास पाए जाते हैं। अंधविश्वास है, लोग तरह तरह की बातों को बोलते हैं, ये करो वो करो, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं प्रार्थना करो। आमेन। हम और आपको इस संसार के अंदर में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, कैसे हमारी समस्याएं जाएगी, कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा उस जीवित परमेश्वर को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूसरा क्रंथ उसका 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। जो हमारे आंखों को अंधा कर रहा है, जो हम और आपको परमेश्वर के पास में जाने से रोकता है, सबसे बड़ा बाधा आज है इस संसार का ईश्वर जो परमेश्वर के पास में जाने से हमें रोकता है। बाइबल बताते हैं उनके बीच में से निकल जाइए। जो लोग आपको प्रार्थना करने के लिए रोकते हैं, जो लोग आपको बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, जो लोग आपको चर्च जाने से रोकते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, कहने का मतलब है उस संगति से आप दूर चले जाइए। और बाइबल बताती है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। कोई भी ऐसी वस्तु को ना छुए मेरे प्रिय भाई बहन जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खात करेगा, आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद करेगा। बहुत जरूरी है कि हम ऐसे चीजों से अपने जीवन को दूर रखें। और जब हम दूर रहेंगे मालूम है क्या होगा? जब हम अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहेंगे, पाप में जीवन से अलग रह जाएंगे, तो बाइबल बताती है तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हम पहचान पाएंगे, सच्ची रीति से हम पहचान पाएंगे कि जीवित प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम उसको पहचान पाएंगे। अगर इस संसार
कि ईश्वर की उपासना अगर हम करते रहेंगे हम उस जीवित परमेश्वर को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम नहीं पहचान पाएंगे। पहचानने का एक ही तरीका है, पापमय जीवन से अलग हो जाइए, पापमय संगति से अलग हो जाइए। और अशुद्ध वस्तु जो गलत है, आप जानते हैं ये गलत है इसको छूना, आप जानते हैं ये गलत है कि हम इसके साथ में रहें, आप जानते हैं कि ये गलत है इस कार्य को करना, आप जब उस कार्य को छोड़ दीजिएगा तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आप जान पाइएगा कि जीवित प्रभु यीशु मसीह कौन है, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद बहुत ही अच्छा, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जेम्स चैप्टर 4:4 लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस संसार का ईश्वर लोगों की आंखों को अंधा कर रहा है और लोग आज इस संसार के रीति रिवाजों में, विधियों में इतना अपने आप को खींच लिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग अपने आप को आकर्षित करते हैं, यहाँ के फेस्टिवल को, इस संसार के फेस्टिवल में लोग खींचे चले जा रहे हैं। इस संसार के ईश्वर में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, लोग खींचे चले जा रहे हैं, लोग उसकी उपासना कर रहे हैं और इस संसार से हम कहीं ना कहीं मित्रता में हम चले जा रहे हैं। और अगर हम इस संसार से मित्रता करेंगे, इस संसार के रीति रिवाजों से हम मित्रता करेंगे, इस संसार के वो बहुत सारी चीज़ें जो गलत है उन सारे को, उस सारे गलत चीज़ों को अपने जीवन में लेंगे, अशुद्ध वस्तुओं को छुएंगे, तो बाइबल बताती है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का बैरी बन जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर का बैरी बन जाएंगे, आप रोते रह जाएंगे, हमारा आप रोते रह जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमारा प्रॉब्लम, हमारा जीवन कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं, हमारा जीवन घात हो जाएगा। थोड़ी कठोर बात है लेकिन मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस संसार के ईश्वर की उपासना ना करें, इस संसार के ईश्वर का फेस्टिवल कभी भी ना मनावें। मनाना है उस जीवित परमेश्वर का फेस्टिवल मनाएं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, उसको पुकारने का फेस्टिवल मनाएं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 पद साम चैप्टर 34:8 यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और यहाँ पर लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, आज प्रभु हमको मौका देता है कि हम अपने जीवित परमेश्वर को परखें। आज परमेश्वर को मौका देता है कि हम उसको परख के देखें कि यह वह कैसा भला, उसको हम चख के देखें कि वो कैसा भला है। इस संसार के ईश्वर लोगों की आंखों को अंधा कर रहा है, हमारा आपको परमेश्वर के प्रेम से खींचता है, हमारा आपको परमेश्वर करीब जाने के लिए नहीं दे रहा है, इस संसार का ईश्वर हमारा आपको रोक रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी बुद्धि को खोलिए, अशुद्ध वस्तु से अलग रहिए, ये वचन को पढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन। कैसे हम आजाद होंगे इस संसार के ईश्वर से, ये वचन को पढ़ने के द्वारा। इस बाइबल को आप पढ़िए, आपको मालूम चलेगा, आप इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सही पहचान कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, कि वो है कौन और वो क्या कर सकता है और क्या वो करेगा हमारे जीवन में। सारी बातें इस बाइबल में दी गई है, इसलिए इस बाइबल को खोलकर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर सही रीति में प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं तो इस वचन को पढ़ें, आमेन, आमेन, हालेलुया। कुछ दिनों के बाद हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, मैं चाहूंगा आप क्रिसमस के दिन उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तुम मेरे लिए इस दुनिया के अंदर में आया,
मेरे लिए संसार में आया ताकि मैं पाप में जीवन से आजाद हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हमारी आंखें, जिसको इस संसार की ईश्वर ने बंद कर दिया, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम इस पाप में संसार से आजाद किए जाए और एक ऐसे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें जो हम और आपको एक दिन जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो जगह को परमेश्वर हमारे आपके लिए तैयार कर रहा है। आमेन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। एक बार प्रभु के पास आके देखिए, एक बार प्रभु का पर्व मना के देखिए, एक बार प्रभु का धन्यवाद करके देखिए और उसके बाद आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गवाही देने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है। आज हमारा आपको प्रभु यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी। आज हम नहीं पहचानने के कारण से हम आज पाप में, अभी तक हम पाप में जीवन को जी रहे हैं, अभी तक हम रो रहे हैं, अभी तक हम नाना प्रकार की समस्याओं से कराह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन जिस दिन आप सही रीति में प्रभु यीशु मसीह को जान जाइएगा, आपका रोना बंद हो जाएगा। आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में, आप गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब नतनेल प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसको नहीं देखा था, तो नतनेल सोचा कि अरे कोई हमारे लिए ऐसा उद्धारकर्ता जन्म ले सकता है क्या? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय का 43 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 1:43 ऑनवर्ड। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अन्द्रियास और पत्रस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। फिलिपुस क्या किया? नतनेल से मिला और नतनेल को क्या कर रहा है? समझा रहा, बता रहा है कि जिसके विषय में हम सुनते आए थे वो आ गया है। लेकिन नतनेल प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण से क्या बोल रहा है? 46 पद में लिखा है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? जब हम नहीं जानेंगे तो हम भी कंफ्यूजन में रहेंगे। बोले, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग आज चंगाई को पा रहे हैं, कई लोग देखते हैं ऑनलाइन में, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, ये खरीदे हुए लोग हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, इस बात को बोलते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार चख के देखिए, एक बार परख के देखिए, परमेश्वर रियलिटी में ऐसा चंगाई दे सकता है। हालेलुया, 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 क्योंकि वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, नतनेल नहीं जान रहा था, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किया था और इसीलिए वो इस बात को वो बोल रहा है कि कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ से कुछ भी ऐसा अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती है। लेकिन फिलिपुस बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। हम और आप रहते तो क्या बोलते? हम और आप रहते तो क्या बोलते? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। अरे तुमको विश्वास नहीं तो छोड़ दो। हमारा आप रहते तो लंबा चौड़ा, अरे नहीं प्रभु यीशु मसीह ऐसा है वैसा, उसका काम को देखे, ये देखे वो देखे। बाइबल बताती है फिलिपुस ने एक ही वाक्य में कहा, तुम क्या करो, एक बार चल के देख लो, तुम खुद विश्वास करने लग जाओगे। हालेलुया। फिलिपुस को साधारण से उतर दिया, चलकर तू देख ले। आमेन। और जब नतनेल, लिखा 47 पद में, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उससे उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा कि इसमें कोई भी कपट नहीं है। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया,
जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। यीशु मसीह नतनेल को देख ले, हम सोचते हैं हम प्रभु को नहीं जानते, प्रभु भी हमको नहीं जानता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी हर परिस्थिति हर गतिविधि को प्रभु यीशु मसीह जानता है। नतनेल सोचा है वो हमको नहीं देखा तो हम क्या उसको देखेंगे। नतनेल यही सोच रहा है, प्रभु तू कहाँ है, कौन है, तू कैसे मुझे जानता है। प्रभु यीशु मसीह का मैंने तुमको देखा था। और 48 पद मुझको बहुत ही अच्छा लगता है, सॉरी 49 पद, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजरायली इजराइल का महाराजा है। हालेलुया हालेलुया, सही पहचान कर पाया नतनेल। और नतनेल क्या बोल रहा है कि इजराइल का तू महाराजा है। आमेन आमेन हालेलुया। चलकर देख ले, फिलिपुस बोला चलकर देख ले। और जब वो देख रहा है तो गवाही देता, ये नहीं कह रहा कि क्या अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है, लेकिन जब देखा चखा परखा तो यही बात को नतनेल बोल रहा है कि सचमुच में ये इज़राइल का महाराजा है। आमेन हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जाइएगा मेरे प्रिय भाई बहन, और भी करीबी से जब उसको पहचानिएगा, कितना ब्लेसिंग हमारा आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम ऊपरी ऊपरी वचन को पढ़ते हैं और ऊपरी ऊपरी चीज़ों को हम बस हम सुनते हैं, लेकिन एक बार गहराई के साथ परमेश्वर में डूब जाइए, परमेश्वर के वचन में एक बार गहराई के साथ डूब जाइए और उसके बाद देखिए कितना ब्लेसिंग हमारा आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। आमेन हालेलुया। नतनेल पहचान गया। आमेन हालेलुया। और 50 पद में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। यीशु मसीह फिर भी उसको इस बात को बोला, क्या तुम उसको बस मैं तुमको देखा हूं इसलिए तुम विश्वास कर रहे हो, या रियल मायने में तुम विश्वास कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह उससे पूछा और इस बात को बोला कि तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आके देखिए। यीशु मसीह आया इस दुनिया में ताकि हमारा आपके आंखों में जो पट्टी बंधा हुआ है, इस संसार के ईश्वर ने जो आंखों का अंधा कर दिया है वो खुल जाए। नतनेल का आंख खुल गया और इसीलिए वो इस बात को देख पाया मेरे प्रिय भाई बहन, और वो कहा कि प्रभु तू इज़राइल का महाराजा है। आमेन हालेलुया। 51 पद लिखा है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहा, हम प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को प्राप्त करेंगे। सही पहचान करना बहुत जरूरी है। लोग आज भी कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, संगति रखते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या सच में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हम डाउट में रहते हैं, इस डाउट से आज़ाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। मैं चाहता हूँ एक बार उसको परख के देखिए, एक बार उसके करीब आके देखिए। मैं नहीं, आप खुद गवाही देंगे कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया मेरा जीवन बदल गया। आमेन हालेलुया हालेलुया। थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। जब मैं पढ़ रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4:20 अध्याय, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तो थोमा डाउट में, अरे प्रभु यीशु मसीह कैसे जिंदा हो सकता है, कैसे वो यहाँ आ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4:20 अध्याय, जॉन चैप्टर 20:24 ऑनवर्ड, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील को के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। चले लोग बोले प्रभु यीशु मसीह आया था, मैंने उसको देखा, लेकिन थोमा सही पहचान नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से नहीं पहचान पाया कि वो सच में वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हमारा आपके लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और हमसे मुलाकात कर रहा है। थोमा नहीं समझ पाया,
लेकिन क्या हुआ, 26 पद से 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम और आपको अविश्वासी नहीं मेरे प्रिय भाई बहन विश्वासी बनना है। आमेन, हालेलुया। तो हम बोला कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने में आ गया, जब थोमा सच में सामने से प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, उनके हाथों में कीलों के छेदों को देखा, उनके पांजर पर छेद को देखा। 28 पद में लिखा है, या सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा इस बात को कहने लगा, अर्थात थोमा पहचान गया कि मेरे सामने जो है वो सच में जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। थोमा तो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसके सामने प्रभु एक जब उससे मुलाकात हुआ प्रभु से, वो विश्वास करने लग गया। आज हो सके आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक बार मुलाकात कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह से। मुलाकात कैसे होगा, जब आप प्रार्थना में समय दीजिएगा, अपने आप को पाप में जीवन से अलग रखिएगा। एक बार जब आप प्रभु से मुलाकात कर लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप गवाही देंगे, आप गवाही देंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आमेन। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। मुझको बहुत ही अच्छा लगा जब मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय को पढ़ रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला पद से आगे जब आप पढ़िएगा 10 पद तक, तो जकई प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता था, वो कैसा दिखता वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, वो देखना चाहता था। और हम सभी लोग उसका पूरा कहानी को जानते हैं। और जब रियल मायने में प्रभु यीशु मसीह से उसका जब मुलाकात हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गया, जकई जब सामने से प्रभु यीशु मसीह से को देखा, उसे जब बातें करने लगा, बाइबल बताती है जकई का जीवन बदल गया। उनके आंखों में जो इस संसार का ईश्वर ने पट्टी को जकई की आंखों में बांध दिया था, वो उनका आंख खुल गया और वो सच्चे परमेश्वर को जान पाया, देख पाया, प्रभु यीशु मसीह का पहचान कर पाया। और इसलिए उसने कहा कि आज से मैं अपने जीवन को बदल कर प्रभु, जिससे जैसा मैंने लूटा है वसूला प्रभु, मैं वापस मैं कर देता हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम सही पहचान प्रभु यीशु मसीह का कर पाएंगे, हम पहचानेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, आपके घर में उद्धार का जीवन आ जाएगा। आमेन। शाऊल भी विश्वास नहीं कर रहा था, शाऊल तो मसीह लोगों को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन बाइबल बताती है कि कैसे दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से बातचीत किया। उनका आंखों में जो इस संसार का, शाऊल के आंखों में संसार के ईश्वर ने जो पट्टी बांध दिया था, बंद कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह जब उसको आंखों को खोल दिया, वही शाऊल इस बाइबल में सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला व्यक्ति बन गया, जिसको हम पौलुस के नाम से जानते हैं। आमेन, हालेलुया। मतलब आज हम नहीं जानने के कारण से गलत काम में है मेरे प्रिय भाई बहन। आज सही पहचान पाइए। जब हम प्रेयर करेंगे, आइए इस घड़ी हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं तुझे सच्ची रीति से पहचानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। पहचानने का मतलब है प्रभु के करीब आना, प्रभु के निकट आना। बाइबल बताती है हम जितना उसके करीब आएंगे, वो भी हमारे करीब में आएगा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको उत्साहित करूँगा, आप उस जीवित परमेश्वर कि महिमा करे, उसके करीब आ जाए। आइए हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस। संभव अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रेयर करें मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस जीवित परमेश्वर के सम्मुख में आ जाए। आज हम नहीं पहचान पा रहे प्रभु यीशु मसीह को, यही कारण है कि आज हम पाप में जीवन को जी रहे हैं। आज हमको जैसा जीवन जीना चाहिए, आज हम वैसा जीवन को नहीं जी पा रहे।
आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई कर पाते, तेरे नाम के हम जय जयकार कर पाते मेरे प्यारे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और कहे, प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं प्रभु तुझे पहचानना चाहता हूँ। प्रभु ओ नतनेल जब नहीं जान रहा तो वो का क्या कोई अच्छी वस्तु नासरे से निकल सकती है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से नतनेल मुलाकात किया, हालेलुया, वो कहने लगा प्रभु तू इसराइल का महाराजा है। हालेलुया, आज हम नहीं पहचान पाए, इसलिए आज हम पाप करते हैं, इसलिए आज हम तरह तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। आइए आज इस खड़ी कहे, प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। ओ इस संसार के ईश्वर ने जो मेरी आंखों को बंद कर दिया, प्रभु तू खोल दे मेरी आत्मिक आंखों को, प्रभु खोल दे ताकि मैं तेरे करीब आने पाऊँ। उरा बाबा 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 शबरा बा शबरा बरा 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 बा। अरे एक व्यक्ति प्रार्थना करे, कहे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे आंखों को खोल दे ताकि प्रभु मैं तुझे देख पाऊं, प्रभु मैं सच्ची रीति से तेरी आराधना करने पाऊं, प्रभु मैं सच्ची रीति से तेरी महिमा करने पाऊं। हुरा बा 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 बा। पिता इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसी घड़ी इन सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु तू ब्लेस कर दे, इसी घड़ी तू अभिषेक कर दे, ताकि इन प्रियो का जीवन तेरी महिमा से, तेरी आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु, और ये प्रिय लोग तेरे करीब आने पाए और तुझे सच्ची रीति से पहचानने पाए और तेरी महिमा का गवाही यीशु के नाम से देने पाए मेरे प्यारे परमेश्वरी बालाबा शंदला खरला बाराबा लबा लबा। ओ मेरे खुदा इसी घड़ी पिता परमेश्वर इन प्रियों को हम ब्लेस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, इन प्रियों को अपनी महिमा में उपस्थिति मिले, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी आत्मा का अभिषेक से पिता तो इन प्रियों के जीवन को भर दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो बीमार हैं इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए, ओ सारी समस्या दुख तकलीफ जाती रहे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति तुझे पहचान पाए और हर व्यक्ति प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, हमारे को छू ले प्रभु, हमारे को अभिषेक कर दे पिता, और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल खुदा। हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज हमारे को छुआ है, हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमारे को ब्लेस किया, अपनी महिमा से भर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए इस खड़ी हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से उस जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवादी भेंट दे सकते हैं। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना दान दशवांश को प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया, बाइबल बताती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमेन। सो बड़ी उदारता के साथ मुट्ठी खोलकर परमेश्वर की महिमा के लिए दे, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और साथ ही साथ इस ऑफरिंग के समय हम गाएंगे जीवन कर समुद्र में हायरे धर्म डोंगा, इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। जीवन कर समुद्र में हरे धर्म डोंगा, जीवन कर समुद्र में हरे धर्म डोंगा, हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे, हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे, धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे। मुक्ति जे मिली यह धर्म डोंगा में, मुक्ति जे मिली यह धर्म डोंगा में,
से हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे क्षमा मिली यह धर्म डोंगा में पाप क्षमा मिली यह धर्म डोंगा में हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे न डराबा प्रभु है कई डोंगा के बाया न डराबा प्रभु है कई डोंगा के बाया धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे हरे धर्म डोंगा चले लगल धीरे धीरे धर्म डोंगा चले लगल रसे रसे आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की हम तारीफ कर पाए। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक तूने प्रभु अपनी उपस्थिति को दिया। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने प्रिय लोगों ने प्रभु इस आराधना में जुड़कर तेरी महिमा किया, हर एक के संग हो, हर एक के परिवार को उद्धार का जीवन दे मेरे खुदा पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु अपना मुट्ठी खोलकर ऑनलाइन के माध्यम से तेरी शिवकाई के लिए बीज बोया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक के आय के स्रोत में प्रभु तू उन्नति और तरक्की को देना मेरे खुदा, ताकि प्रभु ये प्रिय लोग इसी प्रकार तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मेरे खुदा प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, और मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप इस ऑनलाइन आराधना में लगातार हमारे साथ जुड़कर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु हर एक को बहुत तहत की आशीष दे। सो लगातार आप इस संगति से जुड़े रहें। याद रखें प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे हम लोग फेसबुक पेज में हम लोग मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, और उस प्रेयर में जरूर आप शामिल होवें, परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा। बुधवार के दिन 7:30 बजे याद रखिए, बुधवार के दिन 7:30 बजे हीलिंग प्रेयर होता है। आप जरूर गूगल मीट के माध्यम से उस हीलिंग प्रेयर में जुड़ें। आपके स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, अगर आप उस आराधना में शामिल होना चाहते हैं आप उसमें हमें उस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं आपको ऐड करूँगा, उसका लिंक आपको शेयर करूँगा, ताकि आप उसमें जुड़कर अपने प्रभु का चंगाई को अपने जीवन महसूस कर पाएंगे। आमीन। शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित प्रार्थना लगातार चल रही है। जरूर आप समय निकालें और फास्टिंग प्रेयर में भी शामिल होवें। आमीन। परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना लगातार चल रही है। जरूर आप प्रार्थना करें हमारी सेवकाई के लिए, ताकि हम और भी आने वाले समय में विशेष हम लोग कार्यक्रम रखने पाए और उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। लगातार हमारी शिवकाई को सपोर्ट करें प्रार्थना के द्वारा, प्रभु बहुत तहत की आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को आशीष दे। धन्यवाद सबों को। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।